दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में। और गाइस अभी ना शाम के हो रहे हैं लगभग 4:30 और मैं अभी आया हूँ महागामा पार्क, जो कि महागामा न्यू पार्क है, हो गया लगभग 2-3 महीने। और लेकिन ये मेरे लिए ना बिल्कुल नया है क्योंकि आज मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखिए ये पार्क के पीछे से नज़ारा दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है इको पार्क का, गोल्फिट लिमिटेड इको पार्क ऊर्जा नगर कॉलोनी, ठीक है, वहाँ पर देखें आप। और यहाँ देखिए, और यहाँ से पार्क की साइड से नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। देखिए ये है बड़ा सा गेट, और यहाँ पे ये टाइमिंग है इको पार्क खुलने का समय, देखिए कब कब खुलेंगे। तो चलिए मैं एंट्री करता हूँ। पैसा वैसा लगता है क्या यहाँ घुसने में? फ्री है ना, पार्क बिल्कुल फ्री है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए लिख दिया है शराब पीकर बिल्कुल ना आए, दंडनीय अपराध है। हाँ भाई क्यों है, जो ये महागामा में ये एक पार्क तो है ही है, क्या एक ही पार्क है ना ये ऊर्जा नगर पे। मैं ना बिल्कुल पहली बार आया हूँ ना, थोड़ा सा हमको लग रहा है यार काफ़ी अच्छा सा मस्त सा। और देखो ना घास वास नीचे एकदम काफ़ी शानदार टाइप का है। फिर देखें आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें लगता है पानी होता होगा ना, पानी लेकिन नहीं है, खाली है। मैं दूसरा साइड भी दिखाऊँगा, ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। क्या आज की चलो पार्क जाते हैं घूमने थोड़ा, और कैमरे वमरे भी लेके आया है तो फोटो वोटो भी शूट करेंगे, होगा तो एक दो रील्स भी बना लेंगे, मज़ा आएगा। अब इसमें पानी नहीं है लेकिन हम जब यहाँ आए देखे फाउंटेन से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहे, चेतावनी है यहाँ पे पानी है। हमको लगता है क्या जब ये चलते होंगे ना तो मज़ा आता होगा देखने में। लाइट वाइट का भी सुविधा है, लाइट के साथ चलते होंगे तो अच्छा लगता होगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा सीन बनता होगा। वो देखिए वो वाले में ना पानी है उधर, और इधर भी नहीं है पानी, उधर भी नहीं है पानी, और छोटा सा है, कुछ खास बड़ा नहीं है, मतलब के लायक अच्छा ही है। आम का भी पेड़ लगा हुआ है उधर से, ये वाला रास्ता किधर जाते हैं ना, मैं उधर भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उधर से किस तरह का लगता है देखने में और उधर क्या क्या देखने को मिलेगा। पार्क का जो सबसे ज़्यादा हमको मेन चीज़ पसंद होता है ना वो ये चीज़, ये वाला घास बहुत हमको पसंद है। कहीं पार्क में जाता नहीं, सब घास में हमको चलने में बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए यहाँ पे ना अभी तो लोग नहीं यहाँ पे ज़्यादा, 2-4 इधर उधर बैठे हैं। पोज मार के फोटो पोज मार के फोटो वोटो शूट हो रहा है इधर इस सब का। ये पेड़ भी काफ़ी खूबसूरत है, वो लगता है क्या यहाँ पे पेड़ पहले से होगा, ठीक है, जब पार्क बनने से पहले यहाँ पे पेड़ होगा तो पार्क जब बना चलो पेड़ कभी रहने तो इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं क्या। हाँ ये सीन है, काफ़ी अच्छा सोच है क्योंकि पार्क तो पेड़ पौधे से ही बनते हैं तो इसको भी रहने दिया। ओके अभी ना हम दूसरे साइड हैं, और देखिए आम के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए ये पोखर है ये पूरा जो पार्क के बिल्कुल साइड पे है। यहाँ से देखिए पार्क पीछे से कैसा लगता है देखने में, छोटा सा है जैसे कि हम आपको पहले बोले हैं, फिर भी शाम में टहलने के लिए जगह काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा हमको लगता है क्या शाम होगा ना तब देखने में खूबसूरत लगेगा, क्योंकि उस बीच का ना वो वाटर स्टार्ट होगा, पानी जो उछाल मारता है ऐसे, जो खूबसूरत सा नज़ारा बनेगी। देखिए आंटी लोग ना यहाँ पे क्या तोड़ रही है, पता नहीं कुछ तो तोड़ रही है साग वाग। देखिए पूछे हैं क्या ये सब साग खाया जाता है आंटी ये सब? हाँ। बताइए, देखिए आंटी लोग ये सब साग तोड़ रही है। सरोची है, सरोची। अच्छा 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 सरोची, हाँ नाम तो सुने हैं सरोची का साग। हाँ। यही है, देख लीजिए आप लोग भी, आंटी लोग तोड़ रही है और काफी ज्यादा है पार्क में। उधर भी देखिए कितनी ज्यादा है, देख लीजिए आप लोग खाए हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग सरोची का साग खाए हैं। इस जगह से देखिए नज़ारा कितना मस्त है ये वाला ना, तो इसमें ना हरा हरा जो पत्तियां आपको दिख रही है ना, इसलिए ये वाला ना ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा क्लीन और खूबसूरत लगती है। और शाम के अभी टाइम ना 6 बज चुके, और देखिए अब भी जस्ट लाइट जलाए हैं, ये सब पोल में तो अभी लाइट है नहीं तो लाइट नहीं जल रही है, और शाम के 6 बज चुके हैं। सबको रील्स बनाया, हम नहीं बनाए, पता नहीं मेरा मूड नहीं कर रहा था रील्स बनाने का, सब कोई बनाया उस बहुत रील्स बनाया, और हम इंतज़ार कर रहे हैं उस टाइम का कि वो जो बीच में जो वो आपको दिख रहा है ना वो जो पानी का जो फुहारा निकलेगा उसका, बट वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा नहीं पता।
जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब स्टार्ट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ा इसी देखने के लिए। और लाइट भी चेंज होता है ना उसको, तो और बेहतरीन लगता है देखने में। देखिए अभी अलग लाइट, वाह। चलिए जो देखना था ना वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ सीधा घर। बस अब आप लोग को फिर से एक बार कह देते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा प्यार दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।